हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा, जो कि प्रियंका चोपड़ा की कज़न भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें फेयरनेस क्रीम की एड से रिजेक्ट कर दिया गया, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिजेक्शन था। क्यों रिजेक्ट किया गया, ये सब बातें आपको वीडियो में पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से अप टू डेट रह सकें नोटिफिकेशन के थ्रू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी हाँ, मन्नारा चोपड़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑडिशन दिए थे। ये इंटरव्यू उनका था सिद्धांत कनान के साथ, और वो इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछते हैं कोई ऐसा रिजेक्शन आपके बारे में, या आप कभी रिजेक्ट हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से ऑडिशन दिए। एक बार वो सिलेक्ट हो गई, बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनमें से कुछ लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसके बाद फिर सेकंड राउंड हुआ, उन्हें कॉल आई और फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ, जिनमें वो सिलेक्ट हुई। और जब थर्ड राउंड था, सिर्फ दो लड़कियाँ बचती थी और उनमें से सिलेक्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि उनमें से मुझे सिलेक्ट किया गया। मन्नारा चोपड़ा ने कहा कि मुझे सिलेक्ट किया गया। मैं जिस दिन, मेरा था शूट का डे, ऐड का डे, मैंने जाना था वहाँ पर आयरलैंड पर। मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि शूट पर जाने से पहले रात को 4 बजे मेरे फोरहेड पे पिंपल्स आ जाते हैं, एक दो पिंपल्स। उसके बाद वो कहती है जब वो शूट पे जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये कहा जाता है कि बहुत लाइट से कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंपल फिर भी प्रोमिनेंट होते हैं, भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिएक्शन था, क्योंकि बहुत से लोग फेयरनेस ऐड नहीं करना चाहते थे, बट मैं फेयरनेस क्रीम का ऐड करना चाहती थी, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया मेरी स्टूपिड पिंपल्स की वजह से, और मैं बहुत रोई थी और मैं पूरी रात ही रोती रही। मिलते हैं कुछ देर बाद।